बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। हर रोज नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे हुए बेल आइकन को दबाकर ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट करें ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम जब तूफान के मौके पर कश्ती में सवार हुए तो वहां अचानक उनको शैतान नजर आया। उन्होंने शैतान से कहा, तू यहां भी पहुंच गया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा जब तक के तेरा राज मालूम ना कर लूं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उसे पकड़ लिया और फरमाया, तेरा राज मुझको बता, तू गुमराह जो करता है वो किस रास्ते से करता है। तो उसने कहा कि पांच बातें हैं, लेकिन पांच बातों में से मैं आपको तीन बातें बता देता हूँ, दो बातें मैं आपको नहीं बताऊंगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से वही आई के इस मर्दूद से कहो के हमें उन तीन की जरूरत नहीं, वो दो ही बता दे, इसलिए के असल तो वही है। फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे इन तीन बातों की जरूरत नहीं है जो तू मुझे बताने वाला है, वो दो बातें बता जो तू मुझे बताना नहीं चाहता। आपकी बार शैतान मजबूर हो गया क्योंकि उसे पता चल गया था कि नहीं मालूम हो गया है कि वही दो बातें असल हैं। शैतान कहने लगा कि वो दो बातें जिससे मैं लोगों को गुमराह करता हूँ और आपको बताना नहीं चाहता था वो आप सुन लीजिए, उनमें से पहला हसद करना है और दूसरा हिरस है। फिर शैतान कहने लगा कि हसद से मैं गिरा और हीरत से हजरत आदम अलैहिस्सलाम गिर गए, इसलिए कि जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और उनको इलम अता फरमाया और उनकी शान और शौकत को फरिश्तों के सामने जाहिर फरमाया तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि आदम को सजदा करो, तो फरिश्ते सजदे में गिर गए और मुझे तकब्बुर ने रोके रखा। तकब्बुर के बाद हसद पैदा हुआ। हसद इसलिए पैदा हुआ कि इनकी वजह से मैं अल्लाह की निगाह में गिर गया हूँ, अब किसी ना किसी तरह उनको भी गिराना चाहता हूँ, ये है हसद। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भी जिस फल से मना किया गया था जाकर उसको खा लिया था, इसलिए कि शैतान ने कसम खा खा कर उनसे कहा था कि मैं आपको अल्लाह की कसम देकर कहता हूँ कि इस फल को खाने का बहुत फायदा है और अगर आप इसको खा लेंगे तो कभी नहीं मरेंगे, हमेशा जिंदा रहेंगे। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा, खा लेंगे। उन्होंने हिरस में आकर खा लिया। उसको शैतान ने कहा कि हसद ने मुझे तबाह किया और हिरस की बीमारी ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को गिरा कर रख दिया और इन्हीं दो अमल से मैं इंसान को गुमराह कर देता हूँ।